हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेपैक बॉयज। एक और एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। आज की इस एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले हमने कस्टमाइज लाइटें बनने दी थी अपनी सेलिका की, जो इनिशियली वाला प्रोजेक्ट है उसकी। अच्छा, हमने कस्टमाइज क्या किया, हमने बेसिकली पीछे का लेंस उसका कस्टमाइज किया है कि वो सिमिलर लगे टू आ 86। ठीक है, जैसे 86 का लैंप होता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें राइट लेफ्ट होनी थी। देखते हैं वो कितनी अच्छी बनी है, उनको पिक करते हैं। उनको पिक करके हमने जाना है अपनी गाड़ी के पास, आप लोगों को भी दिखाना है और ख़ुद भी देखना है कि क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ों की फ़िटिंग हो चुकी है, किन चीज़ों की फ़िटिंग होना बाकी है। हमने वहाँ पे फिर साइजिंग लेनी है टोटल स्टिकर्स की, जो स्टिकर्स पूरी गाड़ी पे लगने हैं, जैसे कि पीछे स्टिकर्स लगने हैं गाड़ी में, राइट वाले डोर पे लगने हैं, और जो भी स्टिकर्स लगने हैं छोटे मोटे, उन सब की हमने साइजिंग लेनी है। फिर हमने जाना है स्टिकर्स कस्टमाइज़ कराने हैं, स्टिकर्स बनवाने हैं, और फिर ये सब हो जाने के बाद, ये सब हो जाने के बाद बस यही होगा, और क्या होगा। शुरू करता हूँ अपना आज का व्लॉग। अच्छा भाइयों, हम लोग इधर आ गए हैं और ये रही हमारी लाइट। लाइट हमारी बन गई है, लेकिन अभी इसकी बफिंग शफिंग होना बाकी है। अच्छा, गाड़ी है उसको निकलना है, तो खैर अभी आप रात को मेरे घर पहुँचा देंगे। जी जी, रात को अभी घर आ जाएगी, चलते हैं हम लोग वहाँ। तो भाइयों, हर पाकिस्तानी की तरह इन भाई ने भी हमें फुहार कराया, और क्या कह सकते हैं, मैं बड़ा खुश था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, असल में आरआई कोऑर्डिनेट कर रहा था भाई से, तो इन भाई ने बोला था कि लाइटें रेडी हैं, बस पिक कर लेना। और लाइटें तो सैटरडे को हमें मिलनी थी, आज मंडे का दिन है। मैंने कहा संडे भी चला गया, मंडे आ गया, अब तो पक्का रेडी होंगी। अब इतना डीजल भी साड़ा और लाइटें भी रेडी हुई, देखो अल्लाह करे अच्छी सी लाइटें रेडी हो जाएं तो मज़ा है। खैर, मैं वापस स्क्रीन पर डाल रहा हूँ जो हमारी लाइटें रेडी हो रही हैं वो, और जो हमारी इनिशियल डी वाली गाड़ी की जो टेल लाइट है वो। आप सिमिलैरिटीज़ देख पाएंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। हाँ, मुझे पता है मेरी वाली लाइटें गंदी हो रही है, क्योंकि वो अभी बफ़ नहीं हुई है, अभी बफ़ होना है और उसमें कलर शलर होनी है, और वो उसमें रिपेयरिंग का काम अभी बाकी है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर मैंने कभी बाहर ट्रैवल किया और मेरे लिए ईज़ हुआ और मुझे मिली, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने साथ बाहर से ब्रांड न्यू लाइटें ले आऊँ, या कोई आने जाने वाला हुआ तो उसके हाथ मंगवा लूँगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो मेरी अपनी रखने वाली गाड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ 100% से भी ऊपर का होगा। खैर, अभी चलते हैं माजिद भाई के पास, देखते हैं उन्होंने क्या फिटिंग की है, नहीं की है, क्या अपडेट है माजिद भाई की तरफ से, और आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं, चलते हैं। सो भाइयों, फाइनली वी आर हेयर विद द कार, और पहले के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें रंगों के लग गई हैं। जैसे कि मैं क्लोजअप में दिखाऊं तो ये ट्रिम्स लग गए हैं ऊपर वाले, ये नीचे का एक ट्रिम पीस लगना बाकी है, फ्रंट की रबड़े लगना बाकी हैं। ठीक है, और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, साइड प्रोफाइल से हम गाड़ी को देखें तो गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। एक भंड हो गया है, भंड ये हुआ है कि वो रहा इसका स्पॉइलर, वो स्पॉइलर इस पर नहीं लगाना था, क्योंकि ओरिजिनल मूवी कार पर स्पॉइलर नहीं था, तो इसके स्पॉइलर के जो सुराख हैं वो सारे के सारे जो हमारे डेंटर भाई हैं उन्होंने खोल दिए, तो अब हमें डिग्गी वापस पेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से उड़ते हुए तीर अचानक से आ जाते हैं प्रोजेक्ट के दौरान। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ठीक है, बाकी हम इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं। माजिद भाई, इसे खोलिएगा ज़रा। अच्छा, पीछे का ये प्लास्टिक ट्रिम भी लग गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है, लाइटें लग जाएंगी तो कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये इसके देखें सारे जो ट्रंक के प्लास्टिक हैं वो सब ब्लैक होके लग गए हैं। उसके अलावा वो आगे के भी जो भी प्लास्टिक के ट्रिम्स हैं काफ़ी हद तक लग गए हैं, छोटे मोटे ट्रिम्स हैं जो लगना बाकी हैं। उसके बाद फिर ये जो कारपेट है नया आएगा ब्लैक में, नीचे पूरी वो चढ़ेगी, क्या बोलते हैं, साउंड डैम्पिंग वाली शीट लगेगी, तो इंटीरियर भी जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो पुट टुगेदर हो रहा है। ये खुली हुई है गाड़ी, ये गाड़ी खोलेंगे ज़रा, गाड़ी खोलते हैं, आपको अंदर से भी चेक कराते हैं। अब ये होगा कि मैंने भाई को बोला थोड़ा कमांडो एक्शन करें, कल के दिन में डिग्गी भी पेंट करें और व्हील्स भी पेंट करें और गाड़ी मुझे हैंडओवर करें, ताकि मैं वर्कशॉप लेके जाऊं और मैं वर्कशॉप ले जाके गाड़ी को जो मज़ीद काम है वो करवाने वाला वो काम करवाऊँ। अच्छा भाइयों, इंटीरियर में ये कुछ सामान है जो कि पेंट होके रखा हुआ है, डैशबोर्ड अभी फिट होना बाकी है। ठीक है, लेकिन इंटीरियर ब्लैक होके काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, मेरी गाड़ी है। तो ये सीन है बॉयज़, अच्छा गुड सीन है।
या इस तरफ का भी है ट्रिम, बाकी है सिलिकॉन से लगेगा जो है। तो भाइयों बराबर में ही पेंट शॉप है, पेंट शॉप चलते हैं, इसके रिम का जो कलर है ना वो अपने सामने हाथों हाथ बनवा लेते हैं ताकि कोई भी भंड ना हो मजीद मेरी तरफ से भी या किसी और तरफ से। ये रहा हमारा रोल केज, पूरा पेंट हो गया है, ये भी अभी फिट होना है, रोल केज भी आज ही फिट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है फोटो खोल के रिम का कलर बना रहे हैं। लाल टोन का उसका ना, पर्पल का शेड इन्होंने बोला है कि यहाँ चाहिए। ये है जो मूवी में जो गाड़ी थी उसके जो रिम का कलर था वो ये था। मिक्सिंग चल रही है, इसको इसको कहते हैं ब्लैक ब्लैक गन मेटालिक। काफी कलर बनाना भी पूरी साइंस है भाई, वो देना डार्क होगा, ये बहुत ज्यादा डार्क होगा। 6 नंबर ब्लैक लाना। मैं हमेशा बोलता हूँ कलर बनाना पूरी एक साइंस है, और डार्क होगा भाई। 5 देना इसका, 5 ब्लैक की बाल्टी। ये ना थोड़ा गोल्डन ही स्टोन में है भाई, ये ब्लैक गोल्डन लाता है। हाँ देखिए, डार्क गोल्डन नहीं होता, ब्रॉन्ज जो होता है उसको बहुत डार्क कर दो, उस तरीके की टोन है इसकी ना। अप्रोक्सीमेटली जो पेंट का शेड है वो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन हम मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ। डार्क हो जाएगा मसला नहीं होगा, लाइट हो जाएगा तो बुरा लगेगा ना, ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो इतनी टेंशन नहीं है। बड़ी जद्दोजहद है फोटोज देख देख के पेंट बनाना, सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे जब मैं अपनी फोर्ड बना रहा था ना, फोर्ड का कलर जब मैं बना रहा था उसमें बड़ी मुश्किल हुई थी, और एंड में पेंट शेड आउट हो गया था, एग्जैक्ट वो वाला नहीं हुआ था जो भाई आज ये हो गया है वो वाला। दे देंगे जो हमारे पास फोटो है, फोटो दिखाइएगा भाई। अच्छा ये मैट में लगेगा, मैट में लगेगा ना, ये बगैर हार्डनर क्लियर के लगेगा मैट में, ये यही वाला लगेगा, यही वाला होगा ना। ठीक है, क्या करें, और डार्क करने की ज़रूरत है क्या? नहीं और डार्क करने की, आपके हिसाब से ओके है? बिल्कुल ओके। अगर हमें और डार्क करना पड़ा तो फिर क्या करेंगे? और डार्क करना पड़ा तो इसमें ट्रांसपेरेंट डालेंगे, अभी करा लें जो करा है। थोड़ा और डार्क कर दे इसी शेड में, शेड हमारा अजीब हो गया, शेड यही है, सिर्फ इसको हमने थोड़ा सा और डार्क करना है। अब जो है ना बॉयज ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, मैंने जान के रोशनी छुपाई है ताकि हमें पता चल सके कि डार्क में कैसा लगेगा। ओके आपके हिसाब से? ओके मसूद भाई मेरे हिसाब से ओके, आपके हिसाब से ओके, तो हमारे हिसाब से भी ओके। पेंट शेड भी हमारे रिम का फाइनली बन गया है, चलते हैं अब हम, इंची टेप आ गई है, स्टिकर इसका नाप लेते हैं। ठीक है, ये 3 फुट 2 इंच हो गया, 38 इंचेस का, ठीक है समझ गया भाई। स्टिकर मिस्टिकर का साइज ले लिया था, रोज़ा बहुत टच हो रहा है, ऐसे मजा नहीं है मेरा भाई। हम घर आ गए हैं, खोल के फिर हम जाएंगे स्टिकर बनाते हैं और सीन चेक कराते हैं आपको, फिलहाल बहुत टचिंग लगा मेरे साथ। सो भाइयों रात जमा है और हम पहुंच गए हैं हमारे स्टिकर वाले भाई के पास, मतलब बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं ऐसे, इमीडिएट नहीं पहुंच गए हैं लेकिन करीब है। तो अभी हम उनको, सबसे पहले तो हम इंडिकेटर जो है वो अभी तक ब्लैक रैप नहीं हुए थे तो मैं अपने साथ ले आया हूँ, उनको इंडिकेटर देते हैं, वो समझाते हैं, सारे स्टिकर के डिज़ाइन देते हैं, उनके साइज़ देते हैं, और बस फिर छुट्टी करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे हम परसों अगले ब्लॉग में। चलो उन भाई को ज़रा मैं बुलाऊँ और समझाऊँ। ये इंडिकेटर ब्लैक करने हैं, इसमें ना यहाँ पे एक चकोर पट्टा छोड़ना है, ठीक है, यानी खाली करना। हाँ इसको ये ऑरेंज छोड़ना है इतना सा, ठीक है, मैं तुम्हें एक फोटो भी रेफरेंस के लिए भेज देता हूँ, बाकी पूरा काला करना है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली साइड की निशानी क्या है, इतने से पीस खाली है, सही है, और नीचे वाली पे पूरी काली पट्टी चल रही है, ठीक है। ऐसे हमारे पास दोनों इंडिकेटर हैं, दोनों में ले आया था, तो ये कि कल जब हम स्टिकर लगाने जाएंगे
तो हम ये इंडिकेटर भी फिट करा लेंगे। ये पट्टी बस छोड़ दी इसके बाद, यानी पूरी नहीं छोड़ दी, यहाँ तक सिर्फ, यानी राउंड तक की छोड़ दी। हाँ, ये जो पट्टी आई हुई ना, हाँ यहाँ तक यहाँ तक छोड़नी है, बाकी पूरा ब्लैक करना, बाकी पूरा ब्लैक करना, डार्क ब्लैक करना, डार्क ब्लैक करना। भाई एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना, वो इंक्रीज पे इंक्रीज हुए जा रहा है। ऐसा लग रहा है एक्साइटमेंट का लेवल नहीं हो गया, मेरा बीपी हो गया, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। मस्त जोक मारा रे। खैर बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, इंडिकेटर भी जो है वो हमने दे दिए, इसको सारे स्टिकर समझा दिए हमने, ठीक है किस तरह से बनाने हैं। और बॉय कह रहा है कि बस डन है, कल आप आ जाएं मेरे पास, मैं थोड़ा लेट आता हूँ, 3:30 तक आप आएँ, मुझे पिक करें, लेके चलें। इसको मैंने बोला तू टेंट के पेपर भी ले लियो, टेंट भी कर दियो, गाड़ी मतलब बिल्कुल रेडी हो जाए ना। अब आप लोग मैं भी थोड़ा अजीब सा काम कर रहा हूँ, गाड़ी इंजन से स्टार्ट नहीं है और मैं बाकी सारे काम कराए जा रहा हूँ। असल में यार सीन ये है कि ईद करीब है, मैं इतना श्योर हूँ, बाकी अल्लाह पाक कोई नागहानी आफत ना आए, कोई चीज़ हमारी कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि कोई सामान हमें मिले ही ना, वरना मुझे पूरा यकीन है कि 2 दिन में हम गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। और गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे तो मतलब हम गाड़ी को मनूवर करके इधर उधर लेके जाके छोटे मोटे काम कर सकेंगे, लेकिन कम से कम शूट तो गाड़ी का कर ही लेंगे ना, ठीक है। इसके बारे में मैं श्योर हूँ, इस वजह से मैं गाड़ी पूरी जो है ना वो चाह रहा हूँ कि उसको कम्प्लीट करा लूँ, ठीक है। क्या काम रह जाएगा, इंजन के कॉस्मेटिक्स का काम रह जाएगा, हेडर्स बनने रह जाएंगे, ठीक है, बस यही काम रह जाएगा ओवरऑल, जो कि फिर ईद के बाद होगा, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी होगी, हाँ, और फ्यूल टैंक के अंदर जो है आपका सम्प फिर से बनवाऊंगा मैं, क्योंकि लास्ट टाइम गाड़ी बॉग कर रही थी तो बॉग नहीं करनी चाहिए। डिफ खोलूँगा, डिफ का ऑयल चेंज करूँगा, बस यही चीज़ें जो रह गई हैं, और तो कुछ भी नहीं है बाकी। बस मैकेनिकली हमने सब कुछ कर दिया था, और मैकेनिकली जो छोटा मोटा काम होगा वो तो जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होगी तो हो जाएगी। फिलहाल यही अपडेट थी आज के दिन की, प्रोग्रेस सही चल रही है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उम्मीद है हमें। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर देना, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं यार हम, अपने शौक के लिए कर रहे होते हैं लेकिन आप लोगों को भी दिखा के आप लोगों का शौक भी पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं साथ साथ, तो सब्सक्राइब वुड बी अ ग्रेट।